नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। धार, शनिवार 11 दिसंबर को जिला मुख्यालय धार एवं तहसील के समस्त न्यायालयों में लोक अदालत आयोजन किया गया। जिला न्यायालय में माननीय प्रधान न्यायाधीश अखिलेश जोशी, नोडल अधिकारी अशोक शर्मा व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एस विनीता एवं धार न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा दीप प्रज्वलित कर लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। प्रधान न्यायाधीश अखिलेश जोशी ने कहा कि नेशनल लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य समाज के शोषित, पीड़ित एवं गरीब व्यक्तियों को सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय प्रदान करना है। धार आदिवासी बाहुल्य जिला है। यहाँ के गरीब लोगों को शीघ्र, सुलभ न्याय प्रदान करना न्यायपालिका का दायित्व है। नेशनल लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के दांडिक एवं सिविल राजीनामा योग्य 732 मामलों का निराकरण किया गया, जिसमें 2017 व्यक्ति लाभान्वित हुए व 11,01,02,000 से अधिक राशि का अवार्ड पारित किए गए। साथ ही प्री लिटिगेशन के कुल 13,103 प्रकरण निराकरण के लिए रखे गए, जिसमें से कुल 3,649 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर 1,25,23,000 से अधिक की राशि का अवार्ड पारित हुआ, जिसमें से 4,500 लोग लाभान्वित हुए। शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं बछड़ा होता धार जिले में। 3 साल से तलाक की कार्रवाई चल रही थी। बस आपसी मन मुटा और थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी, इसके कारण। आपको कैसा लग रहा है कामराज होने के बाद में? बहुत अच्छा लग रहा है। आज सहयोग किसने करा? ये अभिभाषक जी ने और परिवार ने। आप क्या खुशी लेके जा रहे घर? हाँ, आज मेरा बेटा में आदेश भी मुझे मिल गया है। इसमें मेरे जो अभिभाषक जी हैं संभाजी राव गावड़े जी और सूरज जी पुरोहित सर जी, इनका भी बहुत मार्गदर्शन मुझे मिला और आज हम खुशी खुशी घर जा रहे हैं। एक बार और कौन नंबर है? कुंदन कपासिया। आप सुनिए, निश्चित तौर पर अदालत का आवेदन क्या है ना, कितनी घटपीटें इसमें घटित की रहेगी? माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त निर्देश में जिला जज श्री अखिलेश जोशी के मार्गदर्शन में धार जिले में लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 6,379 प्रकरण जो है राजीनामा योग्य प्रकरण रेफर किए गए थे और इन प्रकरणों की सुनवाई के लिए मुख्यालय पर करीब 11 खंडपीठें और पूरे ज़िले में करीब 37 खंडपीठें जो हैं बनाई गई थी। आजकल जो खुल सके जो इंटरेस्टिंग रहा, इसमें लोग घर से घुसे गए। यहाँ पर आज एक हमारे यहाँ परिवार न्यायालय में श्रीमान प्रधान न्यायाधीश महोदय श्री KG सुरेखा साहब के न्यायालय में एक प्रकरण था, जिसमें पति पत्नी के 5 विवाद जो थे वो तो उनके कस्टडी के और डाइवोर्स के परिवार न्यायालय में चल रहे थे और 2 प्रकरण घरेलू हिंसा से संबंधित श्रीमती दुर्गा सोलंकी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में चल रहे थे। करीब 7 प्रकरणों में उन दोनों दंपत्ति का जो समझौता हुआ और जिस प्रकार उनका 7-8 साल का बच्चा उनके पास साथ गया, वह लोक अदालत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि परिवार जो है वो एक हो गया और 7 प्रकरणों का एक साथ निराकरण। खबर समय जगत के लिए धार से अल्ताफ खान की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।